नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 5 अप्रैल से होगा इंटरव्यू। शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी, विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल, जानिए क्या होगा बदलाव। बिहार के ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा, बिहार में बिजली सिस्टम के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। बिहार के 8 जिलों में बनेगा नया बाईपास, 4 शहरों में होगा रिंग रोड का निर्माण, बजट पारित। बिहार के वैशाली में खोल रहा पहला रामायण विश्वविद्यालय, संस्कृत और व्याकरण की होगी पढ़ाई। बिहार में शराब पर सरकार की सख्ती बेअसर, जहरीले शराब पीने से 10 दिनों में 25 लोगों की मौत। बिहार के विधायकों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स दिखाने की तैयारी, पटना के हॉल में अगले 3 दिन तक सीटें फुल। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा भर्ती 2021 का इंटरव्यू 5 अप्रैल 2022 से नई दिल्ली स्थित यूपीएससी के मुख्यालय में होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जारी होगा, इसे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 7 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक किया था। परीक्षा देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की गई थी। वहीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर 2021 को किया गया था। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार अब नरम पड़ती दिख रही है। विधानसभा शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिहार मद निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक 2022 लाने से पहले विधायकों के बीच इसकी कॉपियां बांटी गई थी, ताकि वह इसके प्रारूप में वाकिफ हो सके। यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाना है। नए शराबबंदी कानून में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद निकट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां उसे जुर्माना देना होगा। यदि वह सरकार द्वारा जुर्माने का भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जुर्माने न देने पर 1 माह का कारावास दिया जाएगा। वही पहली बार गाड़ी पकड़े जाने पर भी उसे जब्त करने के बजाय जुर्माना लेकर उसे छोड़ा जा सकेगा। हाँ, इसमें बड़े और मालवाहक वाहन शामिल नहीं होंगे। प्राइवेट छोटी गाड़ियां जिसमें कम मात्रा में शराब मिलेगी, उसे ही यह छूट मिलेगी। अब जब्त की गई शराब अगर किसी वजह से सुरक्षित ले जाना संभव नहीं है तो उसे बरामदगी वाली जगह पर डीएम के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए जिलाधिकारी अधिकारी की तैनाती करेंगे और उसका सैंपल रखना होगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में घोषणा की है कि बिहार के बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने और उसकी आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विभाग अगले 1-2 सालों में 10,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करेगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा विभाग की गजटिया मांग पर सदन में कहा कि 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही कहा है कि विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण के दौरान ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि इसे राष्ट्रीय औसत पर लाया जा सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पावर सेक्टर को मजबूत करके ही विकास किया जा सकता है, लिहाजा इस दिशा में पूरी ताकत से काम किया जाएगा। सोलर प्लांट भी स्थापित करना है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए साफ किया है कि पिछले 17 सालों में किस तरह बिहार के ऊर्जा विभाग ने बुलंदी छुई है। उदाहरण के लिए 2005 में बिजली खपत 700 मेगावाट थी, अब बढ़कर 6627 मेगावाट हो गई है। सब स्टेशन 268 से बढ़कर अब 1180 हो गए हैं। बताया गया है कि विभाग किसानों को 4000 करोड़ की सब्सिडी भी दे रहा है। बिहार के 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजधानी पटना के बाद अब अन्य 4 शहरों गया, दरभंगा, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 शहरों में नया बाईपास बनेगा। बिहार के जिन 8 शहरों में नया बाईपास बनाया जाना है, उनमें एक पटना भी है। बता दें, पटना में NH-30 से बिग्रहपुर के रास्ते करबिगहिया कृषि फार्म तक नया बाईपास बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग के बजट प्रस्ताव के तहत विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। साल 2022-23 के लिए 58 अरब 19 करोड़ 2,50,000 रुपये का बजट पारित किया गया है। सुलभ संपर्कता को ध्यान में रखकर जिन 8 शहरों में नया बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, उन पर 143.12 करोड़ रुपए खर्च आएंगे।
बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के लोगों को भारत की विरासत और संस्कृति के बारे में जागरूक करने के मकसद से रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण करने की तैयारी हो रही है। सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की तरफ से बनाए जाने वाले इस विश्वविद्यालय में संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। इसके लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर में लगभग 12 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में मुख्य भवन के साथ ही सभी शैक्षणिक भवन और सभी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसके लिए सभी तरह के खर्च का प्रबंध महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस यूनिवर्सिटी में 2024 से पढ़ाई शुरू कर दिए जाने की संभावना है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले शराब पीने से बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज में 7 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंगलवार को 2 और लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार की है। मृतक के परिजनों की माने तो दोनों देर रात शराब पीकर घर आए थे। सुबह उठे तो आंखों की रोशनी चली गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों के पहचान कविलासपुर निवासी 40 वर्षीय सैफुद्दीन कुरैसी और 50 वर्षीय उपेंद्र यादव के रूप में की गई है। पुलिस के डर से परिजनों ने मंगलवार की देर रात दोनों शवों का दाह संस्कार कर दिया। इधर पुलिस ने शराब से मौत का बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बिहार के विधायकों व विधान पार्षदों को एक साथ कश्मीर से पंडितों का पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स दिखाने की तैयारी है। इसके लिए 25 मार्च को P&M मॉल के मल्टीप्लेक्स में शाम के एक शो को आरक्षित कराया गया है। विधानसभा में गुरुवार को दूसरी पाली की कार्यवाही के बाद होली के अवकाश पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 मार्च द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। इसे देखने के लिए शुक्रवार को सभी सदस्य P&M मॉल के मल्टीप्लेक्स में आमंत्रित है। सरकार की ओर से सभी सदस्यों को न्योता देते हुए डिप्टी CM ने कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। पटना के P&M मॉल में इस फिल्म के 700 प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। इन शो में प्रतिदिन 1400 लोग फिल्म देख रहे हैं। वहीं मोना सिनेमा हॉल में प्रतिदिन 500 से 1300 लोग सिनेमा देख रहे हैं। सिनेमा हॉल बंधकों के अनुसार दोनों जगहों पर फिल्म एडवांस बुकिंग चल रही है। अगले 2 से 3 दिन तक सीटें फुल हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में केस दर्ज किया है। पुराने केस को टेकओवर कर ईडी ने FIR दर्ज की। कोर्ट के निर्देश पर डोरंडा ट्रेजडी केस में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच ईडी कर सकती है। अब इस मामले की जांच को लेकर ईडी ने केस को टेकओवर किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लालू प्रसाद समेत 70 से ज्यादा आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब ईडी लालू समेत सभी आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा खंगालेगी। बिहार में अब मुखियों पर आफत आने वाली है। मुखिया प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक होगी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि पंचायतों के पदधारकों में मुखिया, उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं। विभाग का मानना है कि पंचायतों को विकास कार्य के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें आती रहती है कि धनराशि का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि सरकारी सेवकों की तरह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। जानकारी के अनुसार इन सभी की संपत्ति का डेटा जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। 31 मार्च तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले से नोडल पदाधिकारी स्पष्टीकरण पूछेंगे। इसके बाद भी ब्यौरा नहीं देने पर संबंधित प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव जिले के माध्यम से भेजा जाएगा।
बिहार में इसी सत्र से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम 2020-25 सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा दिलाई जाएगी। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक को दिशा निर्देश दिया है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद द्वारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी दिया जाएगा, ताकि छात्र छात्राओं को हिंदी में भी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना